लद्दाख का भी एक अपडेट आपको बताते चले, क्योंकि सरहदी इलाका भी है और सर्द इलाका भी है, लेकिन सियासत इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात कल मुकम्मल वहाँ पर हुए हैं और कल यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर 67% पोलिंग मुकम्मल हुई है और वोटर्स ने एक लंबी कतार में रहकर, एक लंबी लंबी लाइनों में रहकर अपनी बारी का इंतज़ार किया, वोट किया और ये साफ किया कि जब लोग फैसला करें तो कुछ भी हो सकता है। लेह और करगिल सरकारी तौर पर दो ज़िले हैं जहां पर कल वोटिंग हुई है और 577 के करीब वहां पर पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे। लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो कुल मिलाकर 182,271 वोटर्स हैं और इनमें से जब आप 2019 में देखेंगे तो 76.4% वोटिंग मुकम्मल हुई थी, ये 2019 की बात है, और उसके मुकाबले में अब की बार 67% के करीब पोल हुआ है और ये पोलिंग परसेंटेज अपनी जगह, लेकिन मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ताशी गैलसन साहब हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इतिहाद अलायंस के टी नमग्याल साहब हैं और तीसरी तरफ से बगावत पर उतरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने पार्टी छोड़ी लीडर्स ने, उनकी हिमायत, कांग्रेस एक धड़े की हिमायत और दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स की हिमायत लेकर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है। करगिल से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का सपोर्ट उन्हें है और हाजी हनीफा जान वहाँ से मैदान में है। तो ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, सरकारी तौर पर दिलचस्पी का मरकज़ भी बना हुआ है, क्योंकि न तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वहाँ पर देखने को मिले किरण रिजिजू के बगैर, ना ही कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स वहाँ पर दिखे, न फारूक दिखा न उमर दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार मजबूती के साथ मैदान में डटे रहे और एक मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना दिया। हमारे साथ हाजी हनीफा जान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, फोन लाइन पर उम्मीदवार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी हनीफा जान साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा हनीफा साहब, ये जो इंतखाबी दंगल मुकम्मल हुआ है, मुतमईन नजर आ रहे हैं आप? क्योंकि अक्सर शिकायतें ये रहती है कि जनाब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, मेरे को एक्सेस नहीं मिली, फील्ड प्लेइंग स्टाफ में मेरे को पूरी तरह से कैंपेन का मौका नहीं मिला। क्या आप पूरी तरह से मुतमईन हैं जिस तरीके से कैंपेनिंग चली, जिस तरीके से कल पूरे दिन वोट पड़े? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे लद्दाख में जो अमन अमान के साथ भाईचारेगी को कायम रखते हुए कल का पोलिंग अख्तिताम हुई। मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। हाँ, थोड़ा कैंपेनिंग के लिए वक्त थोड़ा कम मिला था, क्योंकि लद्दाख आपको पता है एरिया वाइज बहुत बड़ा भी है और बहुत जो है ये दूर इलाके हैं, तो थोड़ा वक्त कम मिला था। मगर कल जो पोलिंग जो हुई वो बहुत अमन अमान के साथ हुई, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। हाँ, थोड़ा करगिल में थोड़ा चूंकि ईरान का जो सानिया हुआ उसको जो रात को उसको थोड़ा ये हुआ था, तो उसके लिए लोग थोड़ा गमगीन थे, मगर भारी मन से लोग निकले, घर से निकले, पोलिंग बूथ पे आए। खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर थे मैंने उनको उनमें बड़ा एक्साइटमेंट देखा मैंने, तो पूरी तरह मुतमईन हूँ। क्या आपको ये लग रहा है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है लद्दाख के अंदर, ये उसका भी एक नतीजा है कि पोल परसेंट बड़ा, बाहर से जो लोग पढ़ने गए थे वो वापस आए, उन्होंने वोट अपना किया, एज कम्पेयर टू 2019 उतना बड़ा पैमाने पर वोट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लद्दाख के मुकाबले में हम देखें तो वोट परसेंटेज काफ़ी कदरे ज़्यादा बेहतर था? बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी भी है और 2019 के बाद जो हालात लद्दाख में बने हैं उसके खिलाफ लोग बड़ा उसमें है, क्योंकि आपको पता है पिछले 3-4 सालों से पूरे लद्दाख के आवाम जो है एहतजाज पे हैं, केडीए और एपेक्स के बैनर तले, और गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी चली लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, उसकी वजह से भी लोग बड़ा ये था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो बाहर थे सब लोग आके यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया है। तो कुल मिलाकर अगर करगिल की हम बात करें तो कितनी फीसदी करगिल के अंदर हुई और कितने पुरउम्मीद आप हैं, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा कैंपेन का पार्ट जो है वो करगिल के अंदर ही गुजरा? जी 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 जी, चूँकि करगिल में पूरे जो आवाम है इस बार सबसे बड़ी खूबसूरती ये था कि जो करगिल में इतिहाद बनी ना उसमें सारे मजहब के मानने वाले लोग थे, हमारे बुद्धिस्ट भाई भी थे,
हमारे यहाँ कुछ फैमिली सिख भाई बरादरान की भी है, वो सब मिला के मतलब एक इत्तेहाद, क्योंकि लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने इत्तेहाद किया था। तो करगिल में मैं पूरा मुतमईन हूँ, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी करगिल में थोड़ा ज्यादा हुआ है, 74% है शायद करगिल का, तो परसेंटेज जो है कम से कम 6-7% ले से ज्यादा करगिल में हुआ है। तो मैं पूरा ये हूँ, मुतमईन हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हाजी हनीफा जान साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, आजाद उम्मीदवार हैं, इस बार मैदान में हैं और तीन कैंडिडेट्स में से एक ही और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और खुद भी इसका वो दावा भी कर रहे हैं।